हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग फाइन। और टाइटल से आप लोग पढ़ चुके हो कि आज का वीडियो क्या होने वाला है। सॉरी थोड़ा सा इस वीडियो को आने में लेट हो गया, बट मैं अभी 31 दिसंबर की शाम में बैठ के ये वीडियो बना रही हूँ। बैकग्राउंड डिफरेंट है बिकॉज ये मेरा घर नहीं है, एंड आई रियली वॉन्टेड टू शूट दिस वीडियो एंड शेयर इट विद यू ऑल, क्योंकि मैं अपनी मम्मी के लिए एक DIY प्लानर बना रही थी। आई वॉज लाइक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज टू, सो आई एम गोना शूट इट राइट नाउ एंड पोस्ट इट टुमारो। सो वाई DIY प्लानर्स, मैंने पीछे काफ़ी सारी प्लानर की वीडियो शेयर करी थी, मैं लिंक कर दूंगी आई बटन में, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बट द थिंग इज कि आप जब मार्केट में प्लानर्स देखोगे तो इट वुड नॉट फिट एवरीबडीज बजट, एंड इवन इफ फिट्स योर बजट, कई बार ऐसा होता है कि उसके जो स्प्रेड्स होते हैं वो आपको पसंद नहीं आएंगे। तो इस सिचुएशन में बेस्ट होता है कि आप एक प्लानर DIY कर लो, क्योंकि इट विल हैव योर पर्सनल टचेज एंड इट विल बी फिट फॉर योर नीड एंड यू आर गोना लव दैट। सो इट इज़ अ परफेक्ट ऑप्शन फॉर यू टू DIY योर प्लानर्स इज वेल। और इसका एक और जो बेनिफिट रहता है वो ये रहता है कि आप हर मंथ के एंड में देख सकते हो कि कौन सा स्प्रेड आपके लिए काम किया या फिर कौन सा आपको एक्स्ट्रा स्प्रेड की ज़रूरत पड़ी, एंड देन नेक्स्ट मंथ आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो उस अकॉर्डिंग। सो येस, इफ दिस इज समथिंग दैट इंटरेस्ट्स यू, कीप ऑन वॉचिंग दिस video till the very end. But if you're new to my channel, take a moment, hit that red subscribe button. Now without any further blabbering, let's just dive right into the video. जब हम DIY प्लानर्स की बात करते हैं तो अगेन इसमें काफ़ी सारे तरीके आते हैं। आप लोग डिजिटली अपना प्लानर DIY कर सकते हो, आप लोग नॉन डिजिटली भी कर सकते हो। नॉन डिजिटली में भी देर आर अ लॉट ऑफ मेथड्स टू DIY एंड कस्टमाइज योर प्लानर्स। आज हम दो तरीकों की बात करने वाले हैं जो कि सुपर ईजी होने वाले हैं। द फर्स्ट वुड बी द बुलेट जर्नल मेथड, इसको BUJO भी बोलते हैं, लाइक BUJO, बुलेट जर्नल। तो फॉर दोज हु लव टू डूडल एंड कस्टमाइज एवरी सिंगल पेज, आपको हर पेज एकदम कस्टमाइज चाहिए, अपने तरीके से चाहिए, लाइक द फॉन्ट्स, द साइज, द स्प्रेड्स, एवरीथिंग यू कैन कस्टमाइज इन अ बुलेट जर्नल। और इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, आपको चाहिए रहेगी एक ऐसी नोटबुक। दिस इज़ अ बुलेट जर्नल एंड इसमें बेसिकली ऐसे ब्लैंक आपको पेजेस दिख रहे होंगे, बट इसमें ना ऐसे डॉट ग्रिड होती है, मैं यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी। सो ऐसे डॉट ग्रिड वाली आपको एक नोटबुक चाहिए, एंड इसके अलावा ऑल यू नीड आर पेन, पेंसिल्स, कलर्ड मार्कर्स, जो भी आपके क्रिएटिविटी के लिए आपको ज़रूरत लगती है, यू नीड ऑल ऑफ दोज क्रिएटिव प्रोडक्ट्स। बट इसके अलावा आपको इम्पॉर्टेंटली मेन कुछ ऐसा नहीं चाहिए, यू कैन जस्ट सिंपली स्टार्ट विद अ नोटबुक। नाउ आई नो कि आप एक नोटबुक को वैसे भी एक प्लानर की तरह टू डू लिस्ट बनाने के लिए यूज कर सकते हो, बट टू कस्टमाइज इट इनटू अ प्लानर, इसका बेनिफिट ये रहेगा कि यू गेट अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्प्रेड्स, एंड उन सबके अपने अपने में ही बेनिफिट्स हैं, एंड वो सब मैं अभी आगे जैसे जैसे हम कस्टमाइज करेंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट, दिस इज व्हाट अ बुलेट जर्नल वुड लुक लाइक। इसमें इस तरीके के ऐसे डॉट ग्रिड्स होते हैं, एंड देन सबसे पहला जो आपका पेज होगा यू विल कस्टमाइज इट लाइक अ इंट्रो पेज। सो मैं बहुत ज़्यादा सिंपल रखने वाली हूँ, मैं इसमें ज़्यादा मतलब इतना डेकोरेशन वगैरह एक्सट्रीम नहीं करूँगी, बिकॉज दिस प्लानर इज़ टू बी यूज बाय माय मॉम, और मैं उन्हीं के हिसाब से इस प्लानर को कस्टमाइज़ करूँगी, क्योंकि उनको जो बहुत ज़्यादा फैंसी से स्प्रेड्स होते हैं, लॉट ऑफ जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स, वो सब की उनको उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी उनका फर्स्ट टाइम है टू यूज़ अ प्लानर, एंड इसीलिए मैं ज़्यादा ओवरवेलमिंग नहीं करने वाली हूँ। सो सिंपली दिस वन आई एम गोइंग टू राइट 2024 belongs to, and then I'll write her name here. So इसका देखो सबसे अच्छा ये है कि आप इस पेज को किसी भी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो, आपके दिमाग में कोई आइडिया यू कैन यूज दैट। तो आर सेकेंड पेज इज गोइंग टू बी द फ्यूचर लॉग। नाउ इसके लिए आई एम गोइंग टू यूज द डच डोर मेथड। इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं इस पेज को यहाँ से आधा कट कर दूंगी, लाइक आई एम गोइंग टू रिमूव दिस पार्ट। सो दिस इज़ द फ्यूचर लॉग रेडी। सो बेसिकली व्हाट फ्यूचर लॉग डज इज, इसमें आपके सारे मंथ्स हैं, तो लाइक प्लानर के स्टार्टिंग में व्हेनेवर यू गेट एनी अपॉइंटमेंट्स, मीटिंग्स, बर्थडेज, कुछ भी है, तो आप कॉरस्पॉन्डिंग डेट के आगे हर मंथ का एक स्प्रेड इधर है, तो आप उस हिसाब से इसको ये कर सकते हो। अभी ये बहुत सिंपल लग रहा है, एंड में वी विल जैज इट अप विद स्टिकर्स, बट मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट स्प्रेड। सो नेक्स्ट स्प्रेड होने वाला है हमारे 2024 गोल्स का। सो मैं पूरे प्लानर की मेन थीम पिंक रखने वाली हूँ, तो ये जितने भी स्टार्टिंग के पेजेस हैं एवरीथिंग वुड बी पिंक इन कलर। तो मैंने इस वाले पेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एंड ऑल एवरी सिंगल पार्ट वुड बी गोल फॉर दैट पर्टिकुलर क्वार्टर।
3 months make one quarter. So इसमें आप ईयरली गोल्स सेट करोगे एंड देन यू कैन अगेन जैज इट अप विद स्टिकर्स, वो बाद में करेंगे. दिस इज द पेज फॉर 2024 विश लिस्ट. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, इसको प्लेन छोड़ेंगे एंड देन वी कैन ईदर पेस्ट पिक्चर्स और एनीथिंग. मैं विजन बोर्ड अभी आप लोगों को इस प्लानर में नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि विजन बोर्ड की मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, सो यू कैन चेक दैट आउट, आई विल लिंक इट इन द आई बटन. अब हमारा मंथली स्प्रेड स्टार्ट होगा, सो दिस विल बी जनवरी एंड द कलर फॉर द मंथ विल बी पर्पल फॉर मी. आप अपने पसंद से कोई भी कलर चूज कर सकते हो. दिस इज वॉट द स्प्रेड फॉर अ मंथ लुक्स लाइक. तो मैंने क्या किया है, दिस विल बी जनवरी लाइक द मंथ स्टार्टिंग. यहाँ पे आई एम गोना डेडिकेट दिस एक्स्ट्रा एरिया फॉर द गोल्स. अभी ये एक्स्ट्रा क्यों बचा, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपना जनवरी का कैलेंडर बनाया है. तो दिस वन इज आर हैबिट ट्रैकर, इसको मैं यहाँ पे मार्क करूंगी ट्रैकर. मैंने आप लोगों को अपना प्लानर वीडियो में बताया था कि हाउ इम्पॉर्टेंट मंथली हैबिट ट्रैकर इज फॉर मी. आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट नॉट. मैंने इसमें यहाँ पे 6 spaces दिए हैं, आप और भी दे सकते हो. सो यू कैन ट्रैक एनीथिंग लाइक वाटर इनटेक, रीडिंग, योर स्किन केयर, एनीथिंग दैट यू वॉन्ट टू ट्रैक. नाउ दिस वॉज अनदर एक्स्ट्रा स्पेस, तो क्यों ही वेस्ट करना है. सो आई हैव मेड इट नोट्स का सेक्शन. ये हर मंथ का हमारा मेन पेज, जो सेकेंड पेज होने वाला है वो होगा अपना हमारा मंथली बजट. एक्सक्यूज माई हैंड राइटिंग, इट इज़ वेरी बैड, बट ठीक है, अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा अनटिल अनलेस आई लर्न कैलीग्राफी. तो अभी हम इस पेज को स्ट्रक्चर दे देते हैं. ओके, सो इस पेज में आप लोग अपना मंथली ट्रैक कर सकते हो, डेट, कहाँ पे खर्चा हुआ, वेदर इट वॉज अ क्रेडिट और डेबिट अमाउंट, एंड देन पूरा मंथ का करने के बाद यू कैन ट्रैक योर इनकम, योर spendings and your savings. Coming on to our next page, this will be our weekly spread. मैं डेली स्प्रेड अलग से नहीं कर रही बिकॉज माई मॉम वुड नॉट नीड दैट मच स्पेस. इनफैक्ट मुझे नहीं लगता कि किसी को भी उतने ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत रहेगी टू यू नो डेडिकेट एन एंटायर पेज टू अ डे. अगर आपको उस टाइप का प्लानर चाहिए तो आई थिंक मुझे डेटेड प्लानर्स आते हैं, नॉर्मल डायरीज आप वो ले सकते हो, ताकि यू गेट वन पेज फॉर द एंटायर डे. सो दिस विल बी आर जनवरी. अब क्योंकि यहाँ पे हमारा वीक एंड हो गया है, ये काफ़ी एक्स्ट्रा स्पेस है, तो इसको हम लोग डेडिकेट कर देंगे नोट्स के लिए. फिलहाल सिर्फ 3 months के लिए सेट किया है बिकॉज मम्मी ने बोला कि शी वॉन्ट्स टू ट्राई अगर वो पूरा यूज कर पाएंगी कि नहीं, एंड अगर नहीं वो कर पाती हैं तो फिर यू नो आई कैन यूज दिस नोटबुक इन अदर वे. तो यस, दिस वॉज द फर्स्ट वे इन विच यू कैन सेट अप अ DIY planner and it is super super easy. थोड़ा सा time consuming जरूर है but it is very therapeutic and if you like doing all these craft and artwork you're gonna enjoy setting the planner up. आप इसमें कोई भी page डाल सकते हो, habit tracker, gratitude log, financial log, your wish list, vision board, 2024 highlights, anything and everything that you want. आप इसी तरीके से आगे आगे pages add कर सकते हो. This is the basic layout मैंने अपनी मम्मी के हिसाब से बनाया. She just wants to make her to-do list and her budget planner. तो मैंने सिर्फ वही रखा है, ज़्यादा detail में नहीं बनाया वरना she would get very overwhelmed. So this is the first way. Now moving on to our second is the classic binder method. Like if you are a person जो बहुत ज़्यादा indecisive है and आगे चल के you feel कि you might want to remove a certain page or add extra pages, तो obviously आप इस notebook में तो ऐसा कर नहीं सकते कि extra pages add कर दिए, ज़रूर आप tear कर सकते हो. But if you want to you know make your this planner very very flexible, तो आप लोग इस वाले method को use कर सकते हो. All you will need a binder file. एंड अब आपके पास दो ऑप्शन है इसमें भी, या तो आप अपने पूरे प्लानर के पेजेस को
कैनवा या किसी पे भी डिजाइन करके टेम्पलेट्स आप डाउनलोड कर सकते हो. आई विल पॉप अप पिक्चर्स जो मैंने कैनवा पे टेम्पलेट बनाए हुए हैं. आप लोग इस तरीके से बना के इनके प्रिंट आउट निकाल सकते हो एंड देन पंच अ होल और इसको अपने बाइंडर फाइल में लगा लो. या फिर आई विल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अमेजोन पे ना ऐसे जैसे अपने A4 शीट्स मिलती है ना प्लेन, उसी तरीके से ऐसे डॉट ग्रिड वाले पेजेस भी मिलते हैं. अभी डॉट ग्रिड में क्या फायदा रहता है कि ये आपके प्लेन और रोल पेजेस के बीच में होते हैं तो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है काम. ट्रस्ट मी, मैंने अभी ये सेटअप किया है. ये सेटअप अगर आपने रोल पेजेस में किया होता है इट वुड नॉट लुक दैट एस्थेटिक एंड दैट प्रिटी. और इसी को अगर आप ब्लैंक पेज पे कर रहे होते हैं ना तो आप इतनी इवनली नहीं कर पाते क्योंकि वैसे एरोप्लेन की तरह टेक्स्ट सारे उड़ जाते हैं. बट दिस इज अ वेरी कन्वीनियंट मेथड. तो मैं नीचे लिंक कर दूंगी, आप वो वाले पेजेस लेके उसमें अपना प्लानर डिजाइन करके बाइंडर फाइल में लगा सकते हो. सो इट इज अप टू यू कि आप किस तरीके से करना चाहते हो. मैंने आपको सेटअप करके भी दिखा दिया और तीन तरीके बता दिए कि आप इसको किस तरीके से कर सकते हो. एंड यस, आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा तरीका सबसे ज्यादा इजी लग रहा है और सूटेबल लग रहा है. मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि इसमें से कौन सा मेथड आपको सबसे ज्यादा कन्वीनियंट लगता है. दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो फॉर 2023, बट दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ 2024 एंड आई रियली रियली विश अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. एंड आई विश आपके जितने भी गोल्स और ड्रीम्स हैं 2024 के वो सारे अचीव हो. आई विश यू ऑल द लव एंड यस, कीप सपोर्टिंग. अगर आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई विश टू ग्रो दिस कम्युनिटी इवन मोर इन 2024. आई विल सी यू सुपर सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. बाय बाय.